हेलो फ्रेंड्स, तो यार फिल्मी जगन के एक और क्यू एन ए में आप सबका स्वागत है। और यार मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो आई एम सॉरी, क्योंकि यार क्या बोलूं, टाइम ही नहीं मिल पाता है। लेकिन अब टाइम मिलेगा और अगली बार जब मैं अनाउंस करूंगा क्यू एन ए, तो आप लोगों को उसके एक हफ्ते के बाद मिल ही जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको आपके सवाल का जवाब यहां नहीं मिले, तो हो सकता है कि मैंने उसका जवाब पहले किसी क्यू एन ए में दे रखा होगा। तो इसलिए आई बटन पे जाओ और पहले वाले क्यू एन ए को भी चेकआउट कर लो। तो यार चलो आप क्यू एन ए को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, आपने अपने यूट्यूब चैनल का नाम फिल्मी जेड नहीं क्यों रखा? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था भाई। ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर दो यार। ब्लॉग चैनल का ऐसा है कि मैंने सोचा जरूर है ब्लॉग के बारे में, लेकिन अभी टाइम मैनेज नहीं हो पाता। लेकिन जब टाइम मैनेज हो पाएगा तो ब्लॉग चैनल भी जरूर आएगा। ब्रो, क्या वो इंस्टा वाली नेहा शर्मा आपकी गर्लफ्रेंड है? प्लीज बताओ। आप दोनों इंस्टा पे एक दूसरे की स्टोरी भी शेयर करते रहते हो और आपने एक बार यूट्यूब पे भी स्टोरी लगाई थी उसकी। अब राज खोल दो, सच में बहुत खूबसूरत है आपकी गर्लफ्रेंड, अगर सच में है तो। प्लीज टेक माई क्वेश्चन। यार देखो, नेहा शर्मा का ऐसा है, गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है, वो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे साथ शायद केजी से ही पढ़ रही थी। तो केजी से लेकर 12th तक हमने साथ में ही पढ़ाई की है और इसलिए हम दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और जहां तक बात उसकी स्टोरी लगाने की, तो उसने मुझे एक डेयर दिया था जो मुझे कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने लगा दिया। बाकी यार वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि खूबसूरत लड़कियां मुझे फ्रेंड जोन ही करती है, सभी को करती है शायद, मेरे स्पेशल केस थोड़ी है मैं। तो नेक्स्ट, मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? क्योंकि वो एक चॉकलेट है। कभी हिलाया है रिमोट को व्हेन इट्स नॉट वर्क? बहुत बार हिलाया है, और यहां मैं रिमोट की बात नहीं कर रहा हूं। गर्लफ्रेंड है, था, कितना था और है वो भी बता दो। देखो, गर्लफ्रेंड पहले थी लेकिन अब उसकी विदाई हो चुकी है, और इसलिए सिंगल पर्सन। इसलिए अगर कोई लड़की मुझे लाइन मारना चाहती है तो यही वक्त है तुम्हारे लिए। फेवरेट एनिमे कौन सा है? यार एनिमे ज्यादा मैं देख नहीं पाता, क्योंकि 400-500 एपिसोड तक देखना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन डेथ नोट मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं रेकमेंड भी करूंगा कि डेथ नोट आप लोग जरूर देखो। सिर्फ 37 एपिसोड है, 20-20 मिनट्स के। कितना बड़ा है दिल? इतना बड़ा। भैया रोज खाते क्या हो? नहीं मतलब आवाज इतनी अच्छी कैसे है आपकी? मतलब कुछ बोलने लग जाओ तो पूरा वीडियो खत्म होने तक सामने वाला सुनता ही रहता है। यार देखो, आवाज का ऐसा है, दिन में 2 लीटर दारू पियो, 1 डब्बा सिगरेट फूको। मैं मजाक ज्यादा होगी भाई। आपकी जर्नी के बारे में बताओ, मतलब ये आपको कैसे लगा कि आप ये मार्वल से रिलेटेड न्यूज दोगे? मतलब आपको ये नहीं लगा कि मेरा चैनल कैसे ग्रो करेगा जब इतने एस्टेब्लिश यूट्यूबर्स पहले भी हैं? यार देखो, कॉम्पिटिशन पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और ये बात भी सच है कि कोई एक बंदा हमेशा के लिए उस लेवल पे, उस जो पीक लेवल होता है, वहां नहीं रह सकता। आज किसी और का टाइम है, फिर कल मेरा टाइम आएगा और एक दिन आएगा जब मेरा टाइम भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप भी चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो यही मौका है, स्टार्ट करो, मेहनत करो, चैनल ग्रो जरूर करेगा आपका भी। भाई एक बात बताओ, आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कैसे करते हो? यार देखो, हर चीज का एक टाइम होता है। जैसे कैसे बताऊं यार, कोई चीज अगर तुम रोज करोगे ना, तो धीरे 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 तुम्हारी आवाज अच्छी भी होती जाएगी और तुम एक बेहतर एक्सप्लेनर भी बनी जाओगे। क्योंकि यार अगर तुमको मेरी आवाज पहले वाली सुननी है तो मेरी फर्स्ट वीडियो या फिर शुरुआत के 3-4 वीडियोस जाकर देखो, बहुत ही घटिया आवाज लग रही है मेरी, और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रहा था ढंग से। लेकिन धीरे धीरे जब कोई काम आप डेली करते रहोगे, रोज रोज एक ही काम करना है, तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस भी अच्छी हो ही जाती है। आपको सोनी आंटी या केविन चाचा बोलने का आइडिया फर्स्ट कब और कैसे मिला? यार देखो, सोनी आंटी और केविन चाचा मैंने ऐसे फ्लो में बोल दिया था, ऐसा कोई सोचा नहीं था कि सोनी आंटी और केविन चाचा ऐसा मैं नाम एकदम स्प्रेड कर दूंगा। लेकिन यार देखो, जब एक बार मैंने फ्लो में बोला ना, तो कुछ लोगों को पसंद आ गया, तो फिर जब मैंने देखा कि कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, तो फिर जय केविन चाचा की। जब आपका यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आया, तो आपका और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? अच्छा होगा। यार देखो, फर्स्ट पेमेंट आया था और रिएक्शन, देखो मेरा रिएक्शन ये था कि वाह पैसे आ गए, और पेरेंट्स का या घर वालों का रिएक्शन ऐसा था कि ठीक है पैसे आ गए तो एक काम कर, महीने भर का राशन ले आ, और इंडक्शन खराब हो गया तो वो भी नया ले आ। तो इसी में मेरा फर्स्ट पेमेंट गया है बस।
भैया आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, भैया आप फोन से एडिट करते हो या फिर पीसी से? फिलहाल तो फोन से एडिट कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी पीसी से भी कर लेता हूँ। आगे आने वाले टाइम पे आप किस यूट्यूबर के साथ कोलैब करना चाहोगे? ऐसा कोई है नहीं यार, लेकिन अभी उस लेवल तक अपन पहुंचे नहीं है, लेकिन जब पहुंचेंगे तो फिर अपने लेवल वाले के साथ कर लेंगे। स्कूल लाइफ का एम्बेरेसिंग मोमेंट और 10th में कितने परसेंट आए थे? एंड हु इज योर इन्फॉर्मेशन बिग फैन? देखो यार, 10th में 65% आए थे, मुझे मालूम है ज्यादा नहीं है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट ही थे हम। और एम्बेरेसिंग मोमेंट एक मुझे याद है कि मैं 7th या 8th में पढ़ रहा था और स्कूल की छुट्टी हो रही थी, और जब मैं अपने बेंच उठा तो पीछे वाला मेरा थोड़ा सा पैंट फट गई थी इतनी सी। तो मैंने फिर जब छुट्टी हुई तो बैग को थोड़ा सा पूरा एकदम लंबा करके एकदम पीछे तक किया ताकि किसी को दिखे ना। तो यही था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो व्हाट्स योर एज एंड यूट्यूब के अलावा क्या करते हो? बाय द वे लव योर कंटेंट। एज 24, यूट्यूब के अलावा एक बिजनेस है जिसके बारे में कभी फिर बताऊंगा। इफ यू गेट अ चांस टू मीट केविन चाचा, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? यार मेरा रिएक्शन क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर केविन चाचा को पता चल गया कि मैं उनको चाचा बुलाता हूँ तो पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा। ऐसे बोलेंगे आके मुझे, चाचा बोलते हो उनको? क्या मैन ऑफ कल्चर स्ट्रीम में ज्वाइन होना चाहते हो? पहले उतनी औकात तो बना दो मेरी, सब्सक्राइब करो, 1.5 लाख सब्सक्राइबर पहुंचेंगे तो खुद फोन आ जाएगा मेरे को। विच इज योर फेवरेट फ्रूट? केला। तो हो यार, बहुत क्वेश्चन हो गए, बस एक आखिरी क्वेश्चन है उसको बताता हूँ अब। भाई अगर आपको किसी भी एमसीयू के एक्टर से मिलने का मौका मिले तो आप सबसे पहले किसको मिलना चाहेंगे? यार किसी से भी मिलवा दो मैं तो खुशी हो जाऊंगा, लेकिन पर्सनल फेवरेट मेरा टोबी मैग्वायर, टोबी इज लव, तो टोबी मैग्वायर से हम मिलना चाहेंगे। तो यार दैट्स इट, ये थे आपके कुछ सवाल और मेरे जवाब। अगर आपके और भी कुछ सवाल है तो नेक्स्ट Q&A का वेट करो, या फिर अगर आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है तो आई बटन पे जाओ और पिछले Q&A को भी देख डालो, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और दोस्तों इसके अलावा मेरा एक सवाल है आप सबसे कि क्या मुझे और फेस कैम वीडियोस करनी चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट्स में देना। तो यार बस आज के लिए इतना ही, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।